हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है गल्फ़ आइडिया चैनल में दोस्तों कतर की पहली अपडेट आ रही है चार सौ तैतालीस लोगों को दोस्तों वहां पे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और इनमें से दोस्तों चार सौ चौंतीस लोग ऐसे थे जो कि वो मास्क नहीं पहने थे जो भी सरकार अभी गाइडलाइन निकाली है उस पर आपको तो फॉलो करना ही होगा और नौ लोग ऐसे थे जो कि ऐतराज आपका यूज़ नहीं कर रहे थे तो दोस्तों वहाँ की जो लॉ नंबर सत्रह है नाइन उन्नीस सौ नब्बे का जो कानून बना है अगर कोई भी वहाँ पर अगर कोई भी वहाँ पे बीमारी फैलता है तो अगर कोई भी सरकार वहाँ पे गाइडलाइन लाती है तो उस पर आपको अमल करना होगा फॉलो करना होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों कतर की जो अगली अपडेट आ रही है एक वहाँ पे प्रोजेक्ट काम का एक वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कि इसका जिम्मा पब्लिक वर्क अथॉरिटी को दिया गया है कि वहाँ पर जितने भी रोड हैं ख़ास करके दोस्तों वहाँ पर जो भी रोड है तो उसे सही से और उसे खूबसूरत बन उसे खूबसूरत बनाने का फ़ैसला हुआ है जो कि वहाँ के लोगों जो भी जो भी टूरिस्टर लोग आते हैं इसका दोस्तों अच्छा लुक लगे मतलब दोस्तों वहाँ जो भी रोड है उन्हें खूबसूरत बनाने का और अच्छे से डेकोरेट करने का फ़ैसला हुआ है और ताकि दोस्तों वहाँ पर ट्रैफ़िक का पर कोई भी जाम नहीं लगे और वहाँ पे जो सीन रहे जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहे वो भी अच्छा रहे इसलिए दोस्तों कतर सरकार ने पब्लिक वर्क अथॉरिटी को ज़िम्मा दिया है कि जो भी ख़ास ख़ास मतलब जो भी वी एरिया है या फिर कोई आम जगह है तो उन्हें अच्छा ख़ूबसूरत बनाने खास करके रोड को ख़ूबसूरत बनाने का फ़ैसला हुआ है जो कि देखने में अच्छा लगे फिर दोस्तों वहाँ पे जो काम स्टार्ट होगा साढ़े आठ किलोमीटर वहाँ पे पाइपलाइन बिछेगा जो कि जो भी गंदा पानी साफ पानी होगा वो अंडरग्राउंड जाके बह जाएगा चौदह चा, सौ चौदह सौ वहाँ पर पे पेड़ लगेगी और फिर तीन सौ से ज़्यादा वहाँ पे डेकोरेटिव डेकोरेटिव लाइट लगेगी और पैदल चलने के लिए अलग से रोड बनाया जाएगा जो कि बाईस पॉइंट बाईस किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई रहेगी और इसी दोस्तों तो तो फिर जो तीसरा फेज़ शुरू होगा उसमें दस किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ पर पाइपलाइन बिछेगी 4.7 किलोमीटर का इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का काम होगा 555 डेकोरेटिव लाइट लगेगी और 3250 हज़ार दो सौ पचास वहाँ पर ट्री मतलब पेड़ लगेगी जो कि वहाँ पर वातावरण अच्छा रहे और 35 किलोमीटर से भी ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर पैदल चलने के लिए जगह रोड बनाई जाएगी ताकि वहाँ के लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो फिर तो दोस्तों वहाँ के जो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन है उसने ये जानकारी दिया है कि इस साल 2021 में दोस्तों दो परसेंट वहाँ पर हार्ट अटैक रेट घट गया मतलब दोस्तों पिछले पाँच सालों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से मौत हो रही थी लोगों की कतर में तो 2021 का दोस्तों ये रिपोर्ट है कि पिछले साल से दो परसेंट इस बार हार्ट अटैक का जो रेट है वो कम हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छी बात है ये कतर लोगों के लिए और ख़ास करके दोस्तों वहाँ पे हर इमरजेंसी सेवा हमेशा उपलब्ध हमेशा अवेलेबल रहती है अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए तो दोस्तों वहाँ पे ग्यारह सौ एमरजेंसी कार्डियक्ट सेंटर है मतलब दोस्तों अगर किसी को हार्ट या दिल का प्रॉब्लम है तो ग्यारह सौ एमरजेंसी सेवा वहाँ पे फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया गया है और वहाँ पे हर टाइम आपको फैसिलिटी दी जाएगी कोई भी किसी को कोई दिक्कत होती है हार्ट के प्रॉब्लम से वो डायरेक्ट हॉस्टल हॉस्पिटल में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं आपका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा फिर दोस्तों एक वहाँ पे ऑल्ड मार्केट है जो कि उसे अच्छा यूज़ के लिए इस मार्केट को खोला गया है मतलब दोस्तों वहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं आपका कोई भी सामान जैसे कि सब्ज़ी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जाके बेच सकते हैं और अपनी कमाई कर सकते हैं फिर दोस्तों इसी तरह कतर की जो अगली अपडेट है जो कतर कतर रेल है दोस्तों उसने अनाउंसमेंट किया है वहाँ पे जो फीटर बस सर सर्विस नंबर एम वन ट्वेंटी तक था मेट्रो और और इस मेट्रो को बढ़ाकर न्यू सलाटा एरिया तक कर दिया गया है मतलब दोस्तों आपको अल अरबी स्पोर्ट क्लब कतर वॉलीबॉल एसोसिएशन टर्किस हॉस्पिटल कमल नागी प्रिपेशन स्कूल जीरो थ्री मॉल अल शाहिन्न टू कंपाउंड मतलब इसके लिए दोस्तों एम वन टवेंटी पहले मेट्रो का लाइन था अब उसे बढ़ाकर अल हिलाल न्यू सलाटा तक इस मेट्रो लाइन को बढ़ा दिया गया है जो कि वहाँ के आने जाने वालों के लिए अच्छी फैसिलिटी रहेगी और इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ नई अपडेट लेना चाहते हैं कतर के बारे में और रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें